अनबॉक्सिंग इन हिंदी से मैं हूँ ओगी और आज अनबॉक्स करने वाले हैं। देखिए नया जियो का कुछ समय पहले जो वो ऐसे राउटर्स वगैरह सब चले ही गए थे, तो नया लॉन्च हो गया है जियो का राउटर जो कि है 4G+ Jio Fi LTE एडवांस मोबाइल हॉटस्पॉट राउटर। इसमें क्या होता है, देखो सिम कार्ड आपको खुद को खरीदना पड़ेगा, इंटरनेट का रिचार्ज भी आपको कराना पड़ेगा। कुछ लोगों के माइंड में ये सवाल हैं जो हम लोग लास्ट में क्लियर कर देंगे। इस तरीके का डोंगल है, इसके पीछे आप डिटेल्स पढ़ना चाहें तो यहाँ पर जब वो दी गई है आप पढ़ सकते हैं। सुपर 4G+ है, ये 4G से भी ज़्यादा की स्पीड देगा, 5G नहीं है ये इसके अंदर, ये ध्यान रखना आप लोग। अब देखो इसको हम लोग पैकेजिंग के अंदर कुछ खास नहीं है, सीधा जैसे ही हम अनबॉक्स करते हैं आपके सामने सीधा सा ये जो राउटर है हमारे को मिल जाता है। और इसके साथ एक यूज़र मैनुअल मिलती है, एक साथ में आपको छोटी केबल मिल जाती है माइक्रो USB से USB वाली, एक बैटरी मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, 2100 mAh की बैटरी जो है इस छोटे से राउटर के साथ है। और राउटर के साथ कुछ नहीं आता है, ये राउटर है हमारा, इसको वाईफाई हॉटस्पॉट डोंगल बोलते हैं। देखिए आप, ये है जियो की तरफ से आने वाला। तो इसके अंदर यहाँ पर चार इंडिकेटर्स दिए हैं, बैटरी का है, आपका SMS का है। कैमरा वूमन को कहूँगा मैं अच्छे से दिखा दे एक बार के लिए। और यहाँ पर हमारा इंडिकेटर है कि आप हमारे सिम कार्ड में नेटवर्क है कि नहीं, ये वाईफाई का है, ये जियो की ब्रांडिंग दी गई है। साइड में देखे तो ढक्कन इस तरीके से खुल जाता है इसका। यहाँ पर एक चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है, बैटरी और स्विच ऑफ ऑन ऑफ करने के लिए है, और शायद ये WPS बटन का भी जब वो वर्क करे वो हम लोग आगे बताएंगे आपको। यहाँ पर इसके राउटर की जब वो आपको पासवर्ड वगैरह और बाकी एडमिन में लॉगिन करने की डिटेल्स मिल जाती है। ये है बैटरी, तो मैं फटाफट सिम कार्ड को अभी लगाता हूँ अभी के लिए, और आपको मैं इसको कुछ दिन यूज़ करता हूँ, उसके बाद जब वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ बताने वाला हूँ कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ रहा। तो मैं 2-4 दिन बाद फिर मिलता हूँ आपसे, तो अभी रिक्वेस्ट आपसे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबा दो, और मैं एक्सपीरियंस इसका चेक आउट करता हूँ कैसा रहा, टाइम कितना चलती है क्या कुछ, बाकी चीज़ें भी इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जियो का डोंगल मैंने काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ, और मैं काफ़ी दिन बाद मेरे को याद आया कि यार इसकी अनबॉक्सिंग वाली जो वीडियो है वो कंप्लीट करना बाकी है, तो आज कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए कुछ सारे फीचर्स जो हैं वो इसके अंदर अच्छे हैं, कुछ सारे फीचर्स जो हैं वो आपको मतलब बुरे नहीं कह सकते पर है नहीं, जो कि मुझे मतलब थोड़ा सा अजीबोगरीब लगा, क्योंकि इसका प्राइस जो आपको मैं लास्ट में बताता हूँ कि क्या रहता कैसे है इसका प्राइस, क्या कुछ रहता है। सबसे पहली बात तो इसके अंदर सिर्फ एक जियो का सिम कार्ड ही चलेगा, उसके सिवा आप जियो के सिवा और कोई सिम कार्ड आप इसके अंदर नहीं चला सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, इसके अंदर मैंने देखा कि गेस्ट नेटवर्क जो होता है ना, कई बार क्या होता है कि एक वाईफाई तो होता है हमारा, दूसरा वाईफाई भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, कोई दोस्त मांगता है आकर के, कोई रिश्तेदार कोई भी मांगता है, तो हम लोग अपना ओरिजिनल पासवर्ड ना दे करके उसको एक्टिवेट कर देते हैं और वो वाला बता देते हैं किसी पड़ोसी पड़ोसी किसी को भी, तो वो वाला फीचर इसके अंदर नहीं है। लेकिन एक फीचर इसके अंदर अच्छे वाला है, वो ये है कि कई बार क्या होता है कि लंबे टाइम के बाद इस तरह का डिवाइस तो सही चलता रहता है लेकिन इसकी बैटरी खराब हो जाती है, तो इसकी बैटरी निकाल करके अगर इसको चार्ज लगा करके हम लोग ऑन करते हैं और इसको यूज़ करना चाहते हैं, मान लो आप कहीं सफ़र कर रहे हैं तो पावर बैंक में लगा करके, यानी इसको बिना बैटरी के भी आप चला सकते हैं, ये वाला फीचर इसके अंदर है। और इसके अंदर आप 8-10 डिवाइसें जोड़ सकते हैं मोबाइल एक साथ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वो इंटरनेट जो वो जो इसके अंदर स्पीड आ रही है वो सबके अंदर बंट जाएगा, उसी हिसाब से सारी डिवाइसेस पे स्पीड कम भी जो वो हो सकती है, ये नॉर्मल सी बात है। बाकी अगर आपके एरिया में जैसे ही जो आपके मोबाइल में या कहीं भी नेटवर्क की स्पीड है ऑलमोस्ट आपको वैसी ही फास्ट इंटरनेट स्पीड आपको इसके अंदर मिलने वाली है, तो परचेज करना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक और बहुत सारे कम फीचर्स हैं, बिल्कुल लिमिटेड से फीचर है जो कि मैंने इसके अंदर चेकआउट किए। और इसके अंदर रीसेट बटन वगैरह और UI के अंदर भी रीसेट का ऑप्शन वगैरह बाकी सब चीज़ें जो आपको मिल जाती है। तो अब इस प्रोडक्ट को आप परचेज करना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, मैंने इसको 2000 के ऑलमोस्ट खरीदा था, लेकिन अभी मैं आज ही देख रहा हूँ तो इसके 3500-3600 रुपये रेंज जो इसकी कर दी गई है। कोशिश कीजिए आप जैसे ही 2000-2100-2200 के लगभग आए परचेज कर सकते हो, वैल्यू फॉर मनी है ये। वैसे तो इस तरह के डिवाइसेस की कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन कंपनी क्या करती है कि इनका कॉस्ट कम कर देती है, और बाकी कंपनी सोचती है कि जैसे ही लोग इसके अंदर सिम डली हुई उससे रिचार्ज कराएंगे तो वो बेनिफिट जो उनको वापस हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, अगर आपको इस डिवाइस की ज़रूरत है तो ये वर्क अच्छा करती है, इसमें कोई खास प्रॉब्लम मेरे को नहीं नज़र आई। अगर आपको बेसिक्स सर्विस के लिए सिर्फ इंटरनेट से कनेक्ट करना है और यूज़ करना है और कुछ
चक्करों में नहीं पड़ना है, तो सही है ये डिवाइस। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दबा लीजिए ताकि ऐसी और अनबॉक्सिंग वीडियोज आपको मिलती रहे। बने रहिए हमारे साथ।